बच्चों रोटी बना रही हूँ मैं, गिर जाएगी वो चीज तुम्हारे ऊपर। ओके भाई, तो यहाँ पे देख ले सोफा कवर चढ़ गए हैं और मैंने मैचिंग के जो है वो कुशन। भाई तो अभी हम बना रहे हैं कड़ी। मैंने ये बीटर लगाया है, मैंने कहा आया हुआ चले फायदा उठा लेते हैं, तो मैं इससे जो है वो फेंटने लगे इसको। ये मैंने नहीं करा होगा, बोलते ये बिल्कुल क्राची बोलता है। तुम बनाती ही नहीं हो मुझे बनाओ। भाई तो अभी हम बना रहे हैं कड़ी 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 कड़ी। इसमें मैंने डाला है छोटी प्याज, मतलब प्याज छोटे छोटे करके, छोटी प्याज क्या होती है, धड़ा मिर्ची, हल्दी, धरा धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, ठीक है। ऑयल भी डाला था मैंने ये वाला। पहले मसाला फ्राई कर लिया था सारा, जो मैंने आपको बताया वो सारा। मैंने ये बीटर लगाया है, मैंने कहा आया हुआ चले फायदा उठा लेते हैं, तो मैं इससे जो है वो फेंटने लगी इसको। कड़ी की खुशबू आ रही है, लजीज। तो चलिए मैं इसको वॉश करती हूँ, कड़ी को चूल्हे पर रखती हूँ पकने के। ओके भाई, तो अभी हम बना रहे हैं पकौड़े। कड़ी हमारी हो गई है रेडी है, देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्योंकि कड़ी को एक तेज आग पे उबाल दिलवा के ना, फिर मैं डीम मास पे छोड़ देती हूँ, पकती रहती है, ठीक है। अब पकौड़े के लिए बेसन डाला है छान के, इसमें धड़ा मिर्चें, धनिया, पुदीना, जीरा, पकौड़ों वाला मसाला, नमक डाला है, बस सभी सारा सामान डालूंगी, पकौड़े रेडी करूंगी। देखिए किचन हो गया मेरा साफ सुथरा माशाल्लाह से, बर्तन भी सारे हो गए हैं। वकास पानी पी रहे थे यहाँ बैठ के। अच्छा रख देती हूँ गर्म, मैं फ्रीजर में रख देती हूँ। डिस्पेंसर अभी ऑन किया है, तो मैंने किचन बाहर की भी सफाई हो गई थी सारी, मैंने आज रात को सफाई की है, दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था। बर्तन मेरे सारे मुक गए हैं, सिंक खाली हो गया, बर्तन धो के मैंने संभाल भी दिए हैं। ओके भैया खुल जा, ओके ठंडा हो जा, देती हूँ वकास को। आज मैंने मिल्क शेक भी बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो आम जो है ना अभी हैं खट्टे ही, पर मिल्क शेक बड़े मज़े का बनता है। मैंने फूल भर के बनाया था, ये बच्चों को पिलाया, वकास को पिलाया। कड़ी ठंडी कर ली थी बना के, तो पकोड़े गरम गरम है। अगर दोनों चीज़ें गरम होती तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं रहते। बस मैं अब दूसरे चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वाला चूल्हा बंद है। कहाँ चढ़े हुए हो? ऊपर। क्यों? अभी देखना ये क्या है, ये क्या है, बता रहे थे अभी, बताओ। आइस। आंखों नहीं है, आंखों आंखों, ये वाला ना आंखें नहीं बोलता, आंखों बोलता है। मैंने नहीं करा होगा, बोलते हैं ये बिल्कुल क्राची की तरह बोलता है, अपनी माँ की तरह बोलता है। मैं ये लोग किया किया बोलते हैं, मैं बोलती मैंने नहीं करा, मैंने नहीं करा, तो बलाज भी बोलता है मैंने नहीं करा। बलाज किसने किया है? मैंने नहीं करा, मैं नहीं करे। बेल बेल का आटा क्यों रखी जा रही है? ये फ्रिज की है ना, रोटियाँ सख्त हुआ है ना आटा, फिर वो सही नहीं बनेंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी देर में। तुम्हारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, किया था उसने कि आपके हस्बैंड अब आपके व्लॉग में क्यों नहीं आते, आप दोनों की लड़ाई। फिर तुमने उसको कहा कि कंस्ट्रक्शन पे मैं अब तुम्हें खड़ा करूंगी? सही कहा ना उसने, मैं नाराज हूँ ना, और मनाती ही नहीं हो मुझे। बेलने से मनाओ, नहीं मुझसे मनाओ ना। नहीं ना माने नहीं, मेरी बात सुने, नाराज होंगे तो मेरा समझ नहीं आई क्या मतलब। फिर से ना मेरे ब्लॉग की रौनक हो, आप जब भी आप आते हो ना ब्लॉग में, फिर लड़कियाँ बोलती हैं आज वकास भाई आए हैं, आज बहुत फनी ब्लॉग होगा, आज हंसने वाला ब्लॉग है, हंसा तो पेट दर्द हो गया कोई ना कोई। और मेहंदी वाले ब्लॉग में मुझे शफीक शफीक बड़ा क्या बोला था, मुझे कॉमेंट आया था, मैंने एडिटिंग में ध्यान नहीं दिया, तो मुझे बोलता है कि शफीक क्या कर रही हो, शफीक क्या कर रही हो, शफीक नहीं हो, रफीक तो हूँ ना, शफीक थोड़ी ना हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं आप ही वकास भाई, आपको रफीक शफीक क्यों बोलते हैं? ये मेरी मोहब्बत का इजहार करने का तरीका है ना, इतना बेसुरे निकले हम रखे हुए। पकौड़े बना के साइड पे रख दिए, क्योंकि वकास ना कढ़ी के अंदर जो डिपुए पकौड़े होते हैं वो नहीं खाते, वो अलीदा से डाल के ग्रेवी खाते हैं। वकास को, हाँ वकास कहता है तुमने टॉले नहीं बनाया, मुझे अच्छे से पता है आप नहीं खाते, मैंने साइड पर रखे थे, उन्होंने और बना लिए। मैंने क्यों बनाए थे? आपने कहा कि तुम पता है ना मैं नहीं खाता, इसके अंदर रखे हुए, मतलब इतना बिगाड़ा हुआ है ना इनकी अम्मी ने कि बस क्या बोले बंदा। ये देखो ये वाले पकौड़े मैंने अपनी जात के लिए खुद बनाए, मेरी बीवी मुझे बना के नहीं दे रही थी। ये देखो जितनी मेहनत मैंने इन तीन पकौड़ों पे की है, इतनी इसने सारी की है। देखा, मैं बीच में से कच्चे नहीं रहने देता, क्योंकि मैंने खुद खाने हैं ना। मेरी रोटी, मेरी फेमस रोटी, बड़ी बड़ी तुम्हारी बड़ी रोटी मेरी है, रोटियां बनाती हो तंदूर पर रोटियां लगाते हैं लोग, ये बड़ी बड़ी। तो तुम लोग पठान ही हो ना? मैंने कहा अम्मी भाई शादी से पहले आपने सिखाई नहीं मुझे बनानी, मेरी सास ने सिखाई, वो ऐसी बनाती है बड़ी बड़ी रोटियां। हम पठान नहीं, हम खान ज्यादा हैं। तो खान तो हो ना, ज्यादा तो ज्यादा ही हो, खान ज्यादा है। और ये हमें जो है वो पता नहीं पापा बता रहे थे, पता नहीं कौन से खान अकबर कौन था,
उसने दिया था ये, आपने वो स्टोरी नहीं सुनी थी तुर्की वाली खानजादा, तो वहां से हमारी नस्ल चली गई। मुझे तुम्हारी नस्ल थोड़ी पता करनी है। एक और मशवरा देता हूँ, मैंने अक्सर वो देखी है गांव में, वो ना दावड़े कहते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर लगाया करो, जिस तरह इस तरह चपाती नहीं बजाती, बड़ा बड़े। अरे बला रोटी सेक रही हूँ बेटा मैं, साइड पे कहीं पे खेल लो। अच्छा ये तुम्हारी कड़ी तो तैयार हो गई है, बड़ी बड़ी फिर तैयार हो गई है ना। आज शायद मार के तुमने बनाई आज, लाल मिर्च नहीं मोटी फेंकी आज, नहीं आज वाली की डड़ा मिर्च अंदर डाल दी थी, मैंने ऊपर डाली। चलो मेरे तीन पकौड़े, मेरे वो सारे पकौड़े, मेरे तीन पकौड़े निकाल ली। अगर बच्चा चल गया ना आपका, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, डांस कर रहा मेरे लिए वो चला गया। अब देखो सब कहते हैं आप ही, आप साफ ही से रोटी कैन फेंकी, आपने साफ ही से फेंकी है, देखिए कैसे गिरी है। आज तो मैं रोटी बनानी आई है, ये देखो हाँ ना, आज सही रोटी बनाई है, बनानी आ गई है ना, जैसी लोग चाहते हैं वैसी बनानी आ गई। मेरा जाती पकौड़ा, अच्छा जी ये मेरा दूसरा जाती पकौड़ा, ये मोहम्मद बराज आ गया खाना खाने, ये तस्वीर अरमीश और मोहम्मद अबाज पीछे बैठ के खाना खा रहे साथ साथ, मेरी बेगम ये धड़ाधड़ खाने में लगी है, अल्लाह ने इसको पहले ही बहुत सेहत दे रखी है। धूप सही शदीद है। ओके भाई तो मैं ये वाली बेडशीट बिछाने लगी हूँ इस वाले कमरे में, दूसरे कमरे में मैं दिखाऊंगी कौन सी बिछा रही हूँ। केलिनिन की बेडशीट है, 100% कॉटन हाई थ्रेड काउंट शीट है ये, ठीक है। ये ईद पे ही आई थी, मेरे ईद वाले पैकेज जब मैंने मंगवाया था उसके साथ ही, तब मैंने ईद पे तो आपको पता है फैंसी बिछा ली थी, तो अब मेहमान आ रहे हैं आज तो मैंने कहा चले ये वाले बिछा लेती हूँ। टॉवल जो थे वो मेरे ख़राब हो गए थे, ख़राब ऐसे हुए थे कि जब मैं उमरे पे गई थी ना तो पीछे इन्होंने धो के सुखाए होंगे तो धूप में या छत पे कहीं पे भी, तो वो उतारे नहीं, तो उनका सबका रंग फेड हो गया, जो धूप में उड़ जाता है ना रंग, वो वाला रंग हो गया, कहीं से ऑरेंज कहीं से ब्लैक कहीं से ऑरेंज कहीं से रेड, ऐसा रंग हो गया उसका। फिर ऑब्वियसली वो तो टॉवल मेहमानों के सामने रखने नहीं थे मैंने, एक ग्रीन वाला टॉवल सही था, तो ईद पे फिर मैंने वही वाला रख दिया था मेहमानों के सामने, क्योंकि सब एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी जो है मैं तीनों वॉशरूम में तीनों टॉवल डालूंगी डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि बकास बहुत गुस्सा कर रहे थे कि टॉवल मंगवाओ टॉवल मंगवाओ, हर वॉशरूम के लिए एक टॉवल घूमता रहता है सारे में। फिर मैंने अब टॉवल मंगवाया है तो वो भी निकालती हूँ, वो भी लगाते हैं वॉशरूम में, बाकी बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ। चले कैमरा जो है ट्राइपॉड पर लगा भाई, तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, पहले मैंने जो है वो बेड झाड़ना है। मैंने ना जर्सी फिटेड भी शीट चेंज करनी थी पर वो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पड़ी नहीं हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसी से गुजारा करती हूँ, बाद में चेंज कर लूँगी। दोनों सोफा पर दोनों बेड पर चढ़ाई हुई है, क्योंकि मैंने फिर मैंने बेड झाड़ा है उसी बेडशीट से झाड़ लिया था बस मैंने बेड ना, उसके बाद मैंने बेडशीट बिछाई है। डस्टिंग जो है मैंने ऑलरेडी कर ली थी, आपको नजर आ रहा होगा बेड और साइड टेबल जो है वो साफ हुई हुई है। अरमिश आ गई थी, फिर बलाज और अबाज भी आ गए थे। खैर हमारी बेडशीट बिछ गई है, उसके बाद जो इनका फर वाला तकिया था वो मैंने साफ किया है ब्रश से, उसके बाद जो है जो एक्स्ट्रा तकिए थे वो मैंने उठा के अलमारी में रखे हैं और बस रेडी हो गई। देखिए आप लोगों के सामने कितनी प्यारी लग रही है ना, मैं आपको बेक के वैसे दिखाऊंगी, आपको नजर आ रही है ऐसे? मुझे तो नजर आ रही है। हां गए आ गए, किधर जा रहे हैं? अभी तुम्हारी बेडशीट देख रहे हैं। तो स्टार्ट पे जा रहे हैं? ये मैंने ठहर के जाता हूं ना, अभी मेरे कमर पसीना हो गई है, पंखा चलाऊं पर वीडियो बनाने के बाद चलाती हूं। सही है, देखिए बाथरूम आ गया, दोनों पड़ेगा जो पहले था ना वो सेपरेट था, अब इस बार मुझे एक ही है, दो नहीं है, एक ही नहीं, अब वेलवेट वाला आया। ये देखें कि हमने बाथरूम मंगवाए थे, वो वाला बाथरूम जो है 3 साल हो गए उसको यूज करते हुए, अब हमारा दिल है उसको फेंक दें और नया इस्तेमाल कर लें। अब वो तुम्हारी काम वाली को दो करोली बना ले। हाँ वाकई भी रही थी भी, डस्टिंग के लिए कपड़ा दे दो, आज काम वाली मिल गई है यार मुझे सफाई पर, सफाई अभी मतलब की नहीं की थी बाजी, पीला दे लेना तो कल अच्छी करके जाऊंगी, अब अल्लाह करे कल सही करके जाए। बोला हाँ मैंने कहा मैंने कहा मजे के लिए सफाई, ये देखिए हेलो अब हाँ बलाज आया, हाय कर रहा है, सलाम कर दो, सलाम सलाम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। ये देखिए जी हमारा बाथरूम आया, देखिए वीडियो बना रही है, तो इसमें क्या मैंने कोई गलत बात की है इनसे नहीं बनाने। ये देखो ये हमारा बाथरूम आ गया है, मकान होना गर्मी दिमाग पे चढ़ गई है, आवाज आ गया, आवाज हाय आवाज ना, मैंने फालसे का जूस बनाया था तो पी रहा है, दिखाओ ये देखिए फालसे का जूस पी रहा है,
ये इसकी स्ट्रिप है, बच्चे आए वीडियो बनाने में हेल्प करने के लिए। अगर दूसरा है वो ब्लू वाला है, इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ आपको। अब हाँ शोर तो नहीं करो ना, ये देखें जी ये ब्लू वाला है और ये भी सेम ऐसा ही है, बस एक ही खोल रहे हैं क्योंकि एक बंदा एक दफा में एक ही यूज करता है, दो तो यूज नहीं होते एक दफा में। टॉवल का सेट है ये वाला, ठीक है, व्हाइट है इसका कलर, एक ग्रे वाला भाज। तो वकास कह रहे हैं कि जी ग्रे वाला खोल लो, तो ग्रे वाला खोल लेते हैं। इस वाले बाथरूम में जो है मेहरून टॉवल है, तो हम इस वाले वॉशरूम के आगे हमने ना मेहरून ही बिछाया है मेट। तो ये जो है मैंने तीन जो है वो बाथरूम के लिए टॉवल सेट मंगवाए हैं, खोल रहे हैं ये वाला, क्योंकि ना एक बाथरूम में मैंने मेहरून डाल दिया है, एक में डाल दिया है ग्रीन, ग्रीन अभी मुझे मिल नहीं रहा लेकिन ग्रीन वाला है टॉवल, वो भी देखती हूँ बच्चों ने कहाँ फेंका हुआ, वो भी डालती हूँ मैं। तो अभी मैं ये वाला डाल रही हूँ एक वाशरूम के अंदर, जिसमें मेहमान आएंगे जिसने यूज़ करना है, वकास को यही वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला खोल रही हूँ। ये दोनों मेरा खरी हूँ, जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे इसको। तो मैं आपको ये वाली पैकिंग खोल के दिखाती हूँ कैसे, वकास खोलने में हेल्प करवा रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा ये, आप लोगों ने वो तो देख लिया होगा बाथरूम के कैसा ये देखें, इतनी खूबसूरत पैकिंग होती है किसी को गिफ्ट करना हो तो भी अच्छा है। इस पर लिखा हुआ वन पीस बाथ टॉवल, वन पीस हैंड टॉवल, वन पीस फेस टॉवल, 100% प्रीमियम क्वालिटी। और ये किस चीज़ का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, दिखाएं जी। इसके पीछे मेरा लगी हुई है, मैं तो डायरेक्ट निकाल लेती हूँ ऐसे, हाँ ऐसे निकाल लें, ये देखें जी। ये वैसे टॉवल ना ख़राब नहीं होते जब तक अपनी लापरवाहियाँ ना हो, जैसे मेरा टॉवल धूप में सुखा दिए थे, उतारने नहीं हुए, जिसने भी सुखाए थे बहुत अकलमंद इंसान था वो, तो उसने उतारे नहीं तो कलर फेड हो गया सारा। ये जो है ये अच्छा अच्छा ये हैंड टॉवल लगा के ना, क्वालिटी कितनी अच्छी है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके बुर बुर भी निकलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है क्योंकि मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ। अक्सर गाँव के लोग ऐसे टॉवल सर पे रख के जा रहे होते हैं, हाँ वो यही वाला टॉवल होता है ना। जैसे बेडशीट का प्रिंट इतना प्यारा है ना, और बेडशीट की क्वालिटी भी इतनी प्यारी है, आप ये देखें क्वालिटी, ये देखें बच्चों के कमरों के लिए बेस्ट है इस तरह की बेडशीट भाई, बच्चे इतनी तरका देते हैं ना बेडशीट्स को जिसकी इंतहा नहीं है। तरकाने गंदी करते हैं, तरकाने का मतलब क्या होता है, तरकाने का मतलब तर करना, क्या करना। चलो खैर है जी, हमारी हो गई है बेडशीट साफ। इस कमरे में जो बेडशीट बिछाने लगी हूँ वो ये वाली है, अभी मेरे पास बस यही दो बेडशीट्स पड़ी हुई हैं, हालांकि मुझे गिफ्ट में भी काफ़ी आती हैं, काफ़ी मैं ख़रीदती भी हूँ लेकिन कोई ना कोई मेरे से ले लेता है बेडशीट खानदान में भी। इसका कवर नज़र आ रहा है बिछा हुआ, ये भी कह लिलिन का है, बच्चों को ज़रा बाहर निकालती हूँ उसके बाद बिछाती हूँ बेडशीट। तो चलो बेडशीट बिछाती हूँ। अच्छा जो लैंप इस कमरे में रखे हुए हैं ना, वो इस कमरे के नहीं है, वो उस कमरे का लैंप है, और इस कमरे का जो फैंसी लैंप है ना वो स्टोर में रखा हुआ है। मैं जाने से पहले ना लैंप जो थे ना वो उतार के रख गई थी कि टूट जाएंगे, उस कमरे का जब वो आया था कुर्सी वाला लैंप था ना वो रख के नहीं गई थी, तो मैं वापस आई वो मुझे मिले ही नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने उस कमरे के लिए ईद पर नहीं मिले थे लैंप, पर मैंने लगाए ही नहीं है पता नहीं क्यों, बच्चों की वजह से कैसा ना ये भी ख़राब कर दे। इसके प्रिंट बहुत प्यारा है यार, ये देखें फ्लोरल प्रिंट में जो बेडशीट्स होती है ना, आई लव दैट बेडशीट। अच्छा भाई, तो जो इस कमरे की फिटेड शीट है ना वो इसलिए गंदी नहीं हुई कि इस कमरे में ना आते नहीं है ना, सिर्फ कभी कभार आते हैं क्योंकि ना एसी वाला कमरा नहीं है ये, तो इसमें गर्मी लगती है इसलिए बस हम इसमें बहुत कम आते हैं, इसलिए बेडशीट साफ रहती है इस कमरे के लिए। बेडशीट का प्रिंट इतना कोई प्यारा, इतना कोई प्यारा, इससे तकिए देखें आप कितने प्यारे, बहुत ही प्यारा प्रिंट है। पता नहीं अब आप लोगों को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो ये बेडशीट काफ़ी पहले की ली हुई थी, कम से कम 3 महीने पहले की ली हुई थी मैंने, पर बिछाई नहीं थी मैंने, मैंने कहा था ईद पे बिछाऊंगी, फिर ईद पे आप सबने कहा फैंसी बिछा लो तो मैंने फैंसी बिछा ली, ये वाली बिछाई नहीं, तो मैं आज बिछा रही हूँ कि मेहमान आ रहे हैं तो बेडशीट्स नहीं बिछा दूँ। और कितनी प्यारी बेडशीट है, इतनी हसीन लग रही है ना, और देख के इतनी ठंडक सी महसूस हो रही है ना आइस को, इसका प्रिंट देख के ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है देख के, है ना। आप लोग बताना कमेंट में कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। रात को मैंने फालसी का शरबत बनाया, एम्प्टी हो गया, बच्चे भी पीते रहे बार बार, थोड़ा सा रह गया, ले रूम में बैठ के अभी शरबत पीती हूँ और उसके बाद जो है हम सोफा कवर चढ़ाते हैं और बस फिर हमारा काम खत्म। शरबत ना ले आऊं फालसे का, ठीक है। सारे ऊपर रख के लोटा ला के दूं, लोटा क्या करना है, तुम ही आ जाओ हाथों से करा। कैसी बात करते हो, खुद ऐसे बैठे हो लोटे वाले स्टाइल में। बदतमीजी ये ना, डस्ट डस्ट हो गए क्योंकि ना आंधी चल रही है रोज, और खिड़कियां खुली हुई हैं, ये देखें कवर तो बिल्कुल सही है, हाथ में रहो सही जाएगा भाई। वैक्यूम क्लीनर लगा के जो है ना सारा डस्ट वगैरह साफ किया है सोफे का, क्योंकि आपको पता है आंधियाँ बहुत आ रही हैं इन दिनों में, और फिर खिड़की बंद कर देते हैं, गुजारा नहीं है, गर्मी बड़ी लगती है, तो फिर जैसे डस्ट डस्ट हुआ। अच्छा भाई, तो मेरे पास जो सोफा कवर है ना वो दो है, एक जर्सी और एक टेरी। काफी लोग पूछते हैं जर्सी में और टेरी में डिफरेंस क्या है। टेरी मुझे इसलिए पसंद है कि टेरी का जो स्टफ है ना वो ऐसा है जैसे
वेलवेटी स्टफ होता है, मतलब जब आप इसको बिछाते हो ना तो बड़ी प्यारी फिनिश आती है और आपको सोफा भी बड़ा प्यारा लगता है। जर्सी सोफा जो है ना वो सिंपल है, आपको सोफे को खराब होने नहीं देता, डस्ट वगैरह नहीं पड़ती, दाग वगैरह नहीं लगते, सेम टेरी भी काम करता है, बट टेरी खूबसूरत भी बहुत लगता है। मतलब टेरी लगा हुआ ना, सता कवर चढ़ा हुआ सोफे के ऊपर, बड़ा हसीन लगता है टेरी चढ़ा रही हूँ डार्क कलर का, और आपके सामने भी सेटिंग करूंगी, आप देखना कितने प्यारे लगेंगे। जर्सी का स्टफ जो है वो यार, जर्सी स्टफ भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता, और होता भी रीजनेबल है, क्योंकि काफी लोग कवर इसलिए लेते हैं ना क्योंकि सोफे खराब ना हो, तो उस लिहाज से जर्सी भी सही है कि आप लोगों की रेंज में भी है और आपके सोफे को खराब होने से बचाता है। मैं टेरी से लेती हूँ क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है, तो मुझे होता है कि सोफा प्यारा भी लगे, तो टेरी में ना सोफा लग्जरी ही लगता है जैसे सोफा होता है। तो तुम्हारा 25 लीटर मांग रहे हैं, मारो इसे पकड़ के, लीटर मारो इसको। तो भाई तो यहाँ पे देख ले, मैं सोफा कवर चढ़ा रही हूँ, मैं पहले चारों कोने जो है ना वो सोफे के पैर के नीचे फंसा देती हूँ, उसके बाद जो है वो हाथों से इस कवर को फोल्ड कर देती हूँ अंदर ना, तो आसानी से चढ़ जाता है। दूसरे वाले सोफे पे भी मैं ऐसे चढ़ाऊंगी। इसके साथ जो उसका तीसरा सोफा था ना वो मैंने अंदर रखा हुआ है ड्राइंग रूम में एज अ टेबल। आपके सामने कितने हसीन लग रहे हैं सोफा कवर, तो ये है जी हमारा टेरी सोफा कवर, और देखिए इसके अंदर ना आपको नजर आएगा वेलवेट का टच आता है, तो बहुत ही आराम से कौन से चढ़ जाते हैं। मैं कोने दबा, कोनों में पता चल जाता है कि ये कोने हैं, तो मैं चारों कॉर्नर दबा देती हूँ सोफे के नीचे, उसके बाद जो है हाथ से फोल्ड करके कवर चढ़ा देती हूँ, तो बहुत ही प्यारे हैं। और कोई डस्ट वगैरह होती है तो वो तो वैक्यूम से साफ हो जाती है, कोई दाग वगैरह लगते हैं तो गीले कपड़े साफ हो जाते हैं, एक कवर जो है वो कम से कम महीना आराम से निकाल जाता है मेरा। तो बस फिर महीने बाद मैं चेंज कर लेती हूँ, अगर कोई रिश्तेदारों में से बोल देता है कि सोफा कवर दे दो तो वो वाले सोफा कवर उनको दे देती हूँ, फिर मैं नहीं चढ़ा लेती हूँ। ठीक है, बस सारी चीज़ों के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जाकर बाय कर सकते हो। कोड भी है मेरा, आप वो कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।